हमारा आज का इवनिंग प्लान, और हमने पैक करा दिया, घर जाकर आराम से खाएंगे। साथ ही हल्का हल्का मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भी मोमोज ऐसे लग रहे हैं, कड़ी चावल डिमसम्स लग रहे हैं मेरे को, मैंने इसका नाम कड़ी चावल डिमसम्स ही रख दिया। Hey guys, welcome back to our channel, My Food Crush, and we are back with our new video. So guys, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हम करने वाले 24 आवर मोमो चैलेंज, और अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 9। मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ तो टाइम दिखा नहीं सकता, अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ जयकेगढ़, और उससे बाइक लूँगा, फिर जा रहा हूँ अपने कॉलेज। तो भाई देखते हैं ब्रेकफास्ट कहाँ पे करना अपना आज मोमोज का, तो चलो यार व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाई ये देखो 9:01 हो रहा है टाइम, तो अपन जा रहे हैं अभी कॉलेज, और फिर देखेंगे ब्रेकफास्ट कहाँ करना है आज का। सो गाइस मैं आ गया हूँ जय के घर, और ये हमने अपने आटा मोमोज मंगवा के रखे हैं। भाई सुबह सुबह मैदा खाने का भी मूड था नहीं मेरा, इसलिए हमने आटा मोमोज अपने एज अ ब्रेकफास्ट मंगवा के रख लिए हैं, और अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं आज। भाई ये देख लो मेरी ओपी फोटो। चलो अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करता, वीडियो को पहले फटाफट से लाइक कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो, और पूरी बार का वीडियो को शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो भाई ये अपने आटा मोमोज हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, और जय ने मंगवाए हैं पता नहीं कहाँ से मेरे लिए। देख रहे हो कितना ध्यान रखते हैं मेरे दोस्त मेरा, सुबह सुबह मैदा नहीं खिला रहे मेरे को, आटा मोमोज खिला रहे हैं, वीट मोमोज, हेल्दी मोमोज फुल मंगा लिए। अभी इतने कौन खाएगा भाई, देखने में तो मैदा वाले मोमोज का लग रहे हैं। अबे एक ही प्लेट दी उस बंदे ने, हमें चटनी किस में डाले हम। स्कैम 1992 ब्लैक प्लेट लेके। अब तो भाई हमारी कटोरी आ गई, उसके हमने थोड़ी चटनी अपनी डाल ली है, और थोड़ी सी मायो भी डाल लेते हैं। भाई ये मेरी चटनी रेडी होगी, मैं स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और मैंने वेज मोमोज लिए हैं भाई, इसके अंदर आटा के ऊपर से मतलब आटा मोमोज हैं वेज वाले, उसको टेस्ट करते हैं। भाई थोड़ा सा डीप सा टेस्ट है इसका आटा मोमोज का। मतलब मैदे वाले ज़्यादा बढ़िया लगेंगे खाने में, अगर स्टीम मोमोज खाओगे आप मैदा वाले भाई, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। बस उसको तोड़ के देखते हैं भाई फीलिंग कैसी है इसके अंदर। भाई फीलिंग तो भाई सेम है जो हमारी मैदा मोमोज के अंदर डलती है, बस जो मेजर डिफरेंस है इसके अंदर कि भाई जो इसके ऊपर की परत है ये हमारी आटे की है, क्योंकि यार सुबह सुबह ना मैदा खाओ ना तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अभी कॉलेज भी जाना है तो इसलिए मैंने अवॉइड करा सुबह सुबह मैदा खाना। भाई इनकी चटनी जो है ना थोड़ी सी स्पाइसी है, मज़ा आ रहा है खाने में। सुबह से अपना ब्रेकफास्ट तो हो गया भाई, पेट एकदम भर गया मेरा इतने सारे मोमोज खा के, और बाकी मैंने और जैन अपने मोमोज का ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब चलते हैं अपने कॉलेज, मैं आपको अपना कॉलेज दिखाता हूँ, और भाई वीडियो को पूरा देखना। तो चलो अब निकलते हैं कॉलेज के लिए, वरना फिर लेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है उस रोड पर। चलो अब निकलते हैं। सो भाई ये मेरा कॉलेज, देखो थोड़ी सी रिपेयरिंग चल रही है इसके अंदर, जब मैं आता था तब तो बिल्कुल कूड़ा कर रखा था उन्होंने कॉलेज को, तो फिर भाई बहुत बेटर बनाते हैं। डिप्सार वाली बिल्डिंग है, और भाई ये डिप्सार वाली बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग है ये, और आज मैं 13 से शूट कर रहा हूँ, तो भाई इसलिए आपको वाइड एंगल के भी शॉट्स मिल जाएंगे। भाई मतलब बहुत सही बना दिया कॉलेज सर, पहले तो सब कुछ भी नहीं था, ये सब देखना पता नहीं क्या क्या लगा दिया है। पर कॉलेज की वैल्यू बहुत है भाई, बहुत सही कॉलेज है, पर टीचर्स भी एक नंबर है। बाकी यार कॉलेज तो बहुत बढ़िया, पर हम लोग निकम्मे थे, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी नहीं कुछ। बाकी मैंने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं सारे, तो यार देखते हैं कब तक आता है मेरा सर्टिफिकेट, मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद अपन लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ड्रग लाइसेंस के लिए, भाई तुम्हारा भाई फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएगा। तो भाई तुम आ गए मिशन मोमोज, जो कि है हमारा मालवीय नगर वाला आउटलेट, और मैं यहीं दिशा रखा था, मैंने सोचा यहीं से भाई टेक अवे कर लेते हैं। चलो यार यहाँ से अपना मोमो चाट पैक कराते हैं, घर की तरफ चलते हैं। तो यार अपना मोमो चाट बन के रेडी हो गया, और चलो यार टाइम भी अब 2:00 लंच का टाइम हो गया, घर चलते हैं फटाफट, और लंच करना शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर आ गया हूँ, और भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई, कॉलेज नहीं दूर है तो मेरा साकेत में, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है जाने आने में ही। तो यार अब 3 बज रहे हैं, चलो यार अपना लंच करना शुरू करते हैं, और मोमो चाट को आपको मैं दिखाता हूँ और उसका प्राइस भी बताता हूँ। भाई ये रहा हमारा पैकेज, और इसके अंदर बिल डाल रखे हैं उन्होंने, भाई देख लो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। 240 रुपये भरे हैं तुम्हारे भाई ने, 220 रुपये इसका प्राइस था, और बाकी थोड़ा 20 रुपये टैक्स लगा इसके ऊपर, तो फाइनल प्राइस जो 220 रुपये। इसके अंदर हम उन्होंने क्या क्या दिया हमें,
कह दिया थैंक यू का, थैंक यू फॉर अ ड्रिंक, ठीक है। ये रहे हमारे मोमो चाट, ये हमारे मोमो चाट, और इसके अंदर उन्होंने फ्रेंच फ्राइज डाल रखे हैं, ये उसके ऊपर थोड़े चिपोटले सॉस है और मेरे ख्याल से मायोनीस है ये, और इसके अंदर हमारे मोमोज डाल रखे हैं। भाई ये कैसा मोमो चाट हुआ, अरे हट, मोमोज कहाँ है भाई, मोमोज है नहीं है इसमें। भाई ये रहे मोमोज का, इस बार साइज़ देखते हैं, तुम्हारे छोटा सा मोमोज है बिल्कुल, बाकी भी टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। फ्रेंच फ्राइज तो बढ़िया है, मतलब ठीक से टेस्ट है, जैसे फ्रेंच फ्राइज को कैसे डिफाइन करें यार, फ्रेंच फ्राइज तो बढ़िया ही होते हैं हर जगह, कहीं के भी खा लो। बाकी जो सॉस है वो भी काफ़ी अच्छी है। मैं मेन चलते हमारा मोमोज खाए तो सब मोमोज खाना शुरू करते हैं। ये देखो ये हमारा मोमोज, कुरकुरे मोमोज डाल रखे उन्होंने, मैंने वेज लिया है तो इसके अंदर मेरे पनीर की फिलिंग है, चटनी के अंदर फ्राइज का टेस्ट लेते हैं। भाई यार जिन का मोमोज है भाई टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बस साइज थोड़ा सा छोटा है, और फिलिंग भर भर के डाल रखी है, बहुत ज़्यादा क्रंची भी है, और यार जिन की चटनी है थोड़ी सी स्पाइसी है यार, मतलब बढ़िया लंच हो गया एकदम, थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा मेरे को, अगर 220-240 रुपये में सिर्फ 6 मोमोज के पीस मिलेंगे आपको, और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज, थोड़ा सा ओवर प्राइस है, 240 रुपये में यार 6 मोमोज, मतलब हद ही हो गई। बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने जस्ट अभी अभी अपने लेक्चर खत्म करा है भाई, अब मतलब पूरे दिन लेक्चर चलते हैं, मतलब 5 बज जाते हैं खत्म होते होते, बहुत ज़्यादा मतलब तरुण सर तो कुछ ज़्यादा पढ़ाते हैं, लंबे लंबे लेक्चर होते हैं 2.5 घंटे के, तो भाई इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया, सुबह तो मैं अपने कॉलेज गया था तो वहाँ से आया मैं 3 बजे, उसका सिर्फ मैंने बायो का लेक्चर लिया, बाकी मेरे दोनों लेक्चर रहते ही हैं। फटाफट से चलते हैं अपना इवनिंग स्नैक्स लाते हैं मोमोज, और हम लाएंगे प्रेम से, और आपको पता है भाई प्रेम तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को, बहुत फेमस भी है हमारे इलाके में, चलो फटाफट से चलते हैं। भाई समय हो गया है 5:05 और जय अभी तक आया नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर कौन सा लेना है अब, तो इतने बड़े बड़े लेक्चर होते हैं दिमाग खराब हो जाता है पूरे दिन। गाइस बैठ चल, गाइस 1 घंटा वेट करने का जय यहाँ पे फाइनली आ चुका है, मेरी बाइक चमका रहा है, वापस जाना मेरे को प्रेम पे लेके चल। तो गाइस ये ले आए अपने आज का इवनिंग स्नैक्स, इसके अंदर भाई हमारे वेज मोमोज और पनीर मोमोज हैं, क्योंकि हमने स्टीम मोमोज ले, शाम को स्टीम मोमोज खाने का ही मज़ा आता है, दिन में तो हमने मोमो चाट खाया था। फटाफट से आपको अपना इवनिंग स्नैक्स दिखाते हैं और भाई इसका प्राइस बताते हैं। तो हमने भाई प्लेट भी ले ली थी साथ में, और छत पे अपना सेटअप बना लिया क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा है, ना इतनी ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। 5:30 बज रहे हैं भाई, मस्त मज़ा आ रहा है एकदम। भाई ये हमारे मोमोज हैं हाफ हाफ प्लेट दोनों, इसके अंदर देखते हैं कौन से हमारे मोमोज डाल के दिए भाई, और ये हमारे वेज मोमोज हैं भाई, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, एकदम ओपी भाई। मोमोज तो मतलब कभी भी खिला दो, इतने ज़्यादा पसंद है मेरे को, तो पूरे दिन खा सकते हैं और ज़्यादा भी नहीं खाने। और ये हमारे पनीर मोमोज हैं, भाई कितनी बढ़िया लग रही है प्लेट। अगर मुझे वही बोले ना आपको जन्नत चाहिए मोमोज की प्लेट, भाई मैं मोमोज की प्लेट ले लूँगा, जन्नत जाना मेरे को भाई इतना प्यारा नहीं है, मोमोज की प्लेट भाई एक नंबर। तो अगर चटनियाँ निकालते हैं और चटनियाँ डालते हैं अपने, उसको टेस्ट करते हैं भाई। ये इनकी लाल चटनी, और यहाँ पे 2 टाइप की लाल चटनियाँ मिलती हैं, एक बहुत ज़्यादा तीखी और एक कम तीखी, जो मेरे जैसे लोग कम तीखा खाते हैं उन लोगों के लिए। सो भाई ये हमारी कम तीखी वाली है, और ये जो है देखने में तो ऑलमोस्ट सेम है, बट ये ज़्यादा तीखी हो चुकी है, तो ये वाली तो भाई डालूंगा नहीं क्योंकि मेरे को ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है। थोड़ी सी मायो डाल लेते हैं साथ में, और मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताओ आप लोग मोमोज कैसे खाते हो, भाई मेयोनीज के साथ खाते हो बिना मेयोनीज के साथ खाते हो? जय तू कैसे खाता है? मायो के साथ, भाई मैं भी मायो के साथ ही खाता हूँ। तो भाई ये देखो ये हमारी प्लेट रेडी हो गई है मोमोज की, और ये हाफ वेजेस के अंदर हाफ पनीर है, तो एक बार फटाफट इसको खाते हैं और ख़त्म करते हैं। भाई स्टार्ट करते हैं अपने वेज मोमोज से, भाई ये देखो सिर्फ 30 रुपये में मिल जाएंगे आपको ये, और फिलिंग चेक करो इसकी कितनी भर भर के डालते हैं भाई फिलिंग। भाई ये इनकी चटनी है, स्ट्रीट साइड मोमोज की ना बात अलग ही होती है। भाई मेरी तो बाइट रेडी हो गई,
एक और लेगा भाई। प्रेम के मोमोज तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, एक नंबर क्वालिटी होती है भाई, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और ऐसा नहीं होता कि भाई अंदर फीलिंग नहीं है या खाली होता है भाई, टेस्ट बहुत जानदार होता है। पनीर वाले मोमोज भाई ये देखो, ये इनके पनीर मोमोज भाई, ये देखो ये भी ओवरलोडेड है पनीर से, और पनीर का पीस देख रहे हो, इसे कहते हैं पनीर मोमोज, और क्रस्ट एकदम पतली है, सिर्फ मैदा मैदा नहीं बिकता यहाँ पे, क्वालिटी मिलती है यार हमारे इलाके में। अबे बहुत ज़बरदस्त। तो चलो यार इस प्लेट को अपने निपटाते हैं, और जैन एक दो पीस में से खा लिए हैं भाई, बाकी जब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को तो पूरे दिन 24 आवर मोमोज ही खाने हैं, और बाकी भाई ये लोग बैट बॉल खेल रहे हैं। भाई इनको देख लो पहले, हेलो कर दो भाई, हेलो कर दो, हेलो। ये देखो बॉल नीचे फेंक दिए इन्होंने, 24 मोमो चैलेंज, उनका 24 आवर बैट बॉल चैलेंज चल रहा है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है इन्होंने। चलो यार मैं अब तो भाई कर देना सारे लाइक, शेयर भी कर देना। चलो यार मैं इस प्लेट को ख़त्म करता हूँ, फिर अपने चलते हैं डिनर की तरफ। आप डिनर में भाई देखते हैं क्या खाने वाले हैं। ये आ गए गाइस अपने चॉकलेट मोमोज, और अपन ने वह मोमो से मंगवाए हैं, और आज का हमारा डिनर है चॉकलेट मोमोज का डिमसम्स, क्योंकि हमारा चॉकलेट मोमो डिलीवरी हो गई है और अभी डिमसम्स भी आने वाले हैं, तो फिर इसे खाना शुरू करते हैं। इसको अभी तब तक यहीं रख देते हैं भाई। सो गाइस ये आ गया हमारा आज का जो मेन ऑर्डर था डिमसम्स हमारे, और हमने मिसनोरा से मंगवाए हैं भाई, टाइम में तो कुछ ज़्यादा देरी हो गई, 10 बज गए हैं, और ये ऑर्डर मैंने लगभग 8:30 बजे कर दिया था अपना, तो यार मैंने लगभग 8:30 बजे ऑर्डर कर दिया, तो 1.5 घंटे बाद ही ऑर्डर आया भाई, बहुत देर से वेट कर रहा था, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई। मेरे घर तो छोले बने हैं, पर आज में 24 मोमो चैलेंज है, तो मैं तो मोमोज ही खाने वाला हूँ। तो चलो यार मोमोज का अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये हमारा आज का डिनर मिसनोरा से मैंने मंगवाया, और मैं एक बार इसको इसकी ऑर्डर समरी दिखा देता हूँ, तो भाई कोई सोचे पेड कोलैबोरेशन है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऑर्डर करा है, और ये हमारे 360 रुपीज़ के कॉर्न स्पिनच एंड वाटर चेस्टनट डिमसम्स भाई, ये आप लोग देख सकते हो, इसके उन्होंने कूपन कोड लगाया, लगभग 260 रुपये के मेरे को पड़े। एक बार इसको ट्राई करते हैं भाई, आज तो इन्होंने बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं भेजा है, कोई चॉपस्टिक नहीं है इसके अंदर, एकदम खाली है ये, बस ये डिमसम्स दिए हैं, और साथ में ये चिली सॉस दिया, उसके साथ में भाई चॉपस्टिक भी नहीं है, और कोई फॉक वॉक कुछ भी नहीं है, तो इसे खाएंगे कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। बार से अनबॉक्स करके देखते हैं, मैंने ये वाले डिमसम्स भाई कभी भी ट्राई नहीं करे, मतलब ज़्यादातर मैं मोमोज ही खाता हूँ, और मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती डिमसम्स और मोमोज में फ़र्क क्या है, अगर आप में से किसी को पता तो मुझे कमेंट करके बताना, मैंने एक बार गूगल भी करा था, पर मेरे को इतना कुछ खास समझ आया नहीं। गाइस जस्ट लुक एट दिस भाई, ये चेक करो, जो कुछ ग्रेवी मोमो जैसे लग रहे हैं, पर कढ़ी मोमो जैसे लग रहे हैं, तो भाई कुछ अलग ही इन्फेंशन लग रही है मेरे को तो। ये सुबह से मोमोज खा रहा हूँ भाई, और बहुत बार मोमोज खाएं, पर ऐसे डिमसम से मोमोज कभी ट्राई नहीं करे भाई। पर भाई जो खुशबू आ रही है ना, बहुत गजब की आ रही है, एक नंबर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने दूसरे वाले मोमोज भाई, मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा मोमोज खा रहे थे, बहुत तीखा तीखा और बहुत ऑयली ऑयली हो गया था, तो मैंने चॉकलेट मोमोज बनवा लिए, हो गया चैलेंज भी तो पूरा करना ही था, और हमने मंगवाए वाओ मोमोज से, ये 86 रुपीज़ के पड़े हैं मेरे को, इसके साथ तो भाई स्पून भी मिला है मेरे को। हाँ भाई, हाँ यार मिसनोरा ने नैपकिन भी दिए मेरे को, लूट लिया इन्होंने तो यार। अरे मैंने एक बार पहले भी ट्राई कर रखे हैं, इनका टेस्ट बढ़िया होता है, मेरे को तो बहुत से लगते हैं, क्या आप लोगों को पसंद है चॉकलेट मोमोज भाई, कमेंट करके जल्दी से बताना मेरे को, क्योंकि मेरे को तो बहुत से लगते हैं चॉकलेट मोमोज। जब आप पहली बार इसे ट्राई करोगे ना, तो बहुत घिन से चढ़ेगी आपको, बट भाई टेस्ट अच्छा होता है इसका भाई। ये देखो भाई ओवरलोडेड है एकदम चॉकलेट मोमोज ही हमारे। चलो अपने डिनर करना शुरू करते हैं अब, चलो इसे खाना शुरू करते हैं भाई। ये मैं सोच रहा हूँ फोक से ही खा लूँ, ये कढ़ी चावल डिमसम्स लग रहे हैं मेरे को, मैंने इसका नाम कढ़ी चावल डिमसम्स ही रख दिया, बाकी टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। भाई बहुत ऑसम टेस्ट है भाई, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा टेस्टी होंगे भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऐसा लग रहा है मुंह में रखा और भाई एकदम मतलब ब्लिसफुल भाई, बहुत गजब का टेस्ट आ रहा है इसका, और जिसके ऊपर की जो लेयर है भाई बहुत ज़्यादा थिन है, और जो इनकी ग्रेवी है ना भाई, मतलब जो भी है ये जिस चीज़ से भी बनी है भाई, बहुत सही टेस्ट है इसका, देखने में कढ़ी चावल जैसे लग रहे हैं, पर कढ़ी चावल मोमोज नहीं है ये भाई, इनकी बेइज्जती हो रही कढ़ी चावल मोमोज बोल के इसे, और भाई बहुत गजब का टेस्ट है, इनका नाम कुछ अजीब सा है, क्या था, कॉर्न स्पिनच एंड वाटर चेस्टनट भाई, तभी थोड़ी सी मीठी है
और जो टेस्ट है भाई बहुत गजब का था। इसके अंदर कॉर्न और स्पिनच की भाई फिलिंग डाल रखी है, और ये जो हमारा मतलब मोमोज है इनका नाम होता है इन वाटर चेस्टनट डिमसम्स। तो भाई जो टेस्ट है बहुत गजब का है। और जो चेस्टनट होता है ना, वाटर चेस्टनट भाई एक एक्वेटिक प्लांट होता है, मैंने अभी चेक करा, मतलब मुझे भी नहीं पता एक्वेटिक ट्यूबर प्लांट होता है ये कोई, मैंने भी ऐसा कभी नहीं पढ़ा अभी तक, और ना नीट में हमें ऐसा कुछ पढ़ाया गया था, इसलिए मैंने भी पहली बार सुना था। मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई जानने की यार वाटर चेस्टनट होता क्या है, मेरे को सुन के अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा ये कौन सी नई चीज़ है जो मैंने नहीं पढ़ी भाई, जिन्होंने डिप दी ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं, क्योंकि भाई बिना डिप के जो टेस्ट एकदम अल्टीमेट आ रहा है इसका, मतलब एकदम परफेक्ट डिनर हो गया मेरा। तो एक बार इसका ट्राई करते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं, और फिर चॉकलेट मोमोज ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इसमें डिप कर लेते हैं। बिना डिप के बहुत बेटर है, डिप से थोड़ा सा टेस्ट मतलब अजीब सा हो गया, हल्का सा खट्टा सा हो गया, अगर आप बिना डिप के ट्राई करोगे तो भाई बहुत जानदार लगेगा। मैं तो बिना डिप के पूरा ख़त्म करने वाला हूँ इसे। मोमोज चॉकलेट भी ट्राई कर लेते हैं भाई। भाई चेक करो भाई कितने ज़्यादा क्रीमी है, मतलब पिछली बार जो इन्होंने भेजे थे ना उससे मेरे को बढ़िया लग रहे हैं देखने में। इसको तो पूरा ही खा जाऊँगा एक बारी में। भाई ये देखो मोमोज का साइज़ देखो भाई, बहुत सही। भाई जो उसकी फीलिंग है ना वो भी न्यूटेला की है भाई, आप देख सकते हो उसके अंदर न्यूटेला, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वेज मोमोज ले और ऊपर से क्रीम डाल के दे दी, न्यूटेला डाल के दे दिया भाई, अंदर भर भर के ब्राउनी न्यूटेला और ये भाई डाल रखे हैं भाई, बहुत चॉकलेटी है। इसके बाद चॉकलेट डिप मिलनी चाहिए, न्यूटेला डिप मिलते हैं तो और गजब के लगते हैं। सुखाई सब बजे हैं रात के 3, मतलब लगभग 3 बजी गई हैं, और मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और भाई बहुत ज़्यादा भूख लगने के साथ ही हल्का हल्का मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से मोमोज़ खा रहा हूँ, मैंने पूरे दिन से मैदा मैदा खाया है, तो मेरे ख्याल से सुबह से हल्का हल्का मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो बता मैंने चैलेंज कम्प्लीट कर तो दिया ही ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने आज पूरे दिन मोमोज खाए हैं। तो चलो अभी कौन सा अगला चैलेंज है वो फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।